भारत में अब जल्द ही सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की जगह रोबोट दिखेंगे। पुणे में इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। रोडिया नाम का रोबोट जल्द ही पुणे में ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आ सकता है। लोग सड़कों पर रोडिया को देखकर काफी रोमांचित हैं। इस रोबोट में 16 इंच का एलईडी डिस्प्ले है। डिस्प्ले ट्रैफिक नियमों को दिखाएगा, वाहनों को जाने रुकने के संकेत देगा। पुणे में अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो देश के अलग अलग शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा।